सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए चौकीदार, आधार कार्ड में भी चौकीदार लगाओ। चुनावी घमासान के बीच विवादित बयानों का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। अक्सर आपत्तिजनक बयान देने के लिए चर्चा में रहने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है। अकबरुद्दीन ने पीएम मोदी के चौकीदार कैंपेन पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया, आप खुद सुनिए। चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह, जो चौकीदार 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 चौकीदार, अरे चौकीदार लगा लिया, अरे सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए, सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए चौकीदार, आधार कार्ड में भी चौकीदार लगाओ, वोटर लिस्ट में भी चौकीदार नरेंद्र मोदी लगाओ, पासपोर्ट में चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखाओ। अकबरुद्दीन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये तक कह डाला कि अगर पीएम मोदी चौकीदारी करने के लिए इच्छुक हैं, तो मैं उन्हें चौकीदार की टोपी और सीटी दे सकता हूं। अरे हमको वजीर आजम होना है भाई, ये चौकीदार, चाय वाला, ये पकोड़े वाला, क्या क्या आप और करो, आज ये हाल हो गया। मुझे हैरत होती है मोदी भक्तों पे, मोदी को वोट देने वालों पे। अरे कैसे आदमी के भक्त हो तुम, कैसे को वोट देते हो, कभी चाय वाला बन जाता है, कभी फकीर बन जाता है, कभी नालों में से गैस निकालता है। अरे आप देखो, अच्छा चौकीदार है, अगर इतनी चौकीदारी की अगर तुमको ख्वाहिश है, तो पहले जब चाय वाले बोले थे तो मैं बोला था चाय की केतली मैं दूंगा, चाय का चूल्हा मैं दूंगा, चाय की पत्ती मैं दूंगा। अब चौकीदार बन गया, ठीक है मोदी उसकी ख्वाहिश है तो आजा, सर पे चौकीदारी की टोपी और गले में सीटी मैं पहनाऊंगा। हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, ये भी अपने भाई की तरह ही तीखे बोल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है कि अकबरुद्दीन ने पीएम मोदी पर निशाना साधा हो, इससे पहले वो कई बार पीएम को अपने निशाने पर ले चुके हैं। साथ ही बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 18 मार्च को हैदराबाद लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था। इस सीट पर पहले चरण में 11 अप्रैल को चुनाव होना है और अकबरुद्दीन ओवैसी अपने भाई के लिए प्रचार में जुटे हैं।